खोद रही है। जब तक वो गड्ढा भर के दीवार सामने नहीं दिखने लगती तब तक 6 महीने लग जाते हैं। और एक बार वो बन गई उसके बाद ऊपर के 10 फ्लोर भी हो तो 1-1.5-2 महीने में खत्म हो जाते हैं। तो अपन अभी गड्ढा भरने वाली स्टेज में है, फिर धीरे धीरे अपनी भी बिल्डिंग ऊपर पहुंच जाएगी। और राइट, तो ये गॉस लॉ था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत है, फील्ड निकालना हमने सीख लिया है। पोटेंशियल में हम लोग इनमें से कुछ चीजें वापस देखेंगे क्योंकि इनके ग्राफ्स वगैरह मैं बनाना सिखाऊंगा। यहां पे एक चीज पता नहीं आपने नोट करी कि नहीं करी, सॉलिड चीजों के अंदर फील्ड एक्स के प्रोपोर्शनल आ रही है। 2 मैंने निकाली है, एक आपको दिया है, उसमें फॉर्मूला रो एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, पहले ही बता रहा हूं। ओके, सॉलिड सिलेंडर का रह गया देना, उसमें रो एक्स बाय 3 था स्फीयर में, सिलेंडर में रो एक्स बाय 2 आता है और इसमें रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट आता है। राइट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिस पे ध्यान दे सकते थे आप। कोई नहीं, एक और काम मैं जो हमेशा देता हूं एज एन होमवर्क, सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड लाइंस बना के लानी है। सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड लाइंस बना के लानी है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क। क्या हो गया, ज्यादा हो गया होमवर्क? ओके, ठीक है। ओके, कभी